हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने एक आसान सा बेबी का एक पोंचो लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है किस तरह से, एंड वीडियो के एंड में आपको किस एज के लिए कितने फंदे लेने हैं वो भी मैं बता रही हूँ। तो आखिर तक वीडियो देखिएगा। जो ये बॉर्डर बनाया हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेबी का पोंचो, ये अराउंड 0 से लेकर 1 साल के बच्चे तक आराम से ये डाल सकते हो। तो 1 ईयर के बेबी के लिए ये साइज बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्राइलॉन, वर्धमान का ब्राइलॉन ऊल लिया है। ये 3 प्लाई का ऊल है, एंड यहाँ पे नीडल है 10 नंबर का, 10 नंबर निटिंग नीडल लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 42 फंदे डाले हुए हैं डबल लेयर करके। कैसे डाले हैं मैं दिखाती हूँ आपको। जितना फंदे डालना है उसको आप इस तरह से ऊन ले लीजिए एक लाइन पे, और उसको डबल कर दीजिएगा इस तरह से। डबल होने के बाद इसको डिजाइनर फंदे भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक इस तरह से नॉट डालिए। नॉट डालने के बाद जैसे नॉर्मल फंदे डालते हैं, ये जो डबल साइड है डबल साइड हमारे तरफ रखिएगा। और ये जो फंदे डलते हैं ये इसके ऊन लगा हुआ है गोले से इस तरफ है, तो इस तरह से पकड़िए एंड इसको इस तरह से, ये डबल अंगूठे के तरफ होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा टाइट करके नेक्स्ट, ये फर्स्ट ये फंदा ऑलरेडी पड़ चुका है, एंड नेक्स्ट फंदा इस तरह से आप डालते जाइएगा। टू थ्री, थोड़ा सा आप इस तरह से पकड़ेंगे तो ये लूज एकदम टाइट नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा गैप रहेगा तो ये बॉर्डर फ्लेक्सिबल बनता है। तो इस तरह से आप फंदे नॉर्मल जैसे फंदे डालते रहते हैं उसी तरह से डालना है। इससे आपको एक यहाँ पे एक रिजेस आपको डिजाइनर काइंड ऑफ लगेंगे, एंड थोड़ा सा लूज बनाने से ये फ्लेक्सिबल भी बनता है। इसी तरह से आप फंदे डालिए। यहाँ पे मैं 2 पीस बनाना है, फ्रंट एंड बैक। तो फ्रंट के लिए हमने रखा हुआ है 42 फंदे। तो इसी तरह से मैंने ऑलरेडी 42 फंदे मैंने डल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक रिजेस, एक अच्छा सा सुंदर रिजेस यहाँ पे नजर आएगा, एंड बैक साइड इस तरह से नजर आएगा। ये फंदे डालने के और भी तरीके मेरे चैनल पे हैं, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। आप चाहे तो उल्टी उल्टी सिलाइयों का या सीधी सीधी सिलाइयों का, जो गार्टर स्टिच बोलते हैं, उससे आप 5 रो 5 लाइंस मतलब 10 रोज का एक बॉर्डर बनाइए। यहाँ मैं 2 बाय 2 का रिबिंग कर रही हूँ, 2 सीधे 2 उल्टे का 2 सीधे, धागा आगे लेके 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, इसी तरह से ये रो कंप्लीट होगा। रो 1 कंप्लीट हो गया है। अब रो 2, रो 2 पे आप जैसे दिखता है उसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है। फर्स्ट उल्टे दिख रहे हैं तो फर्स्ट स्टिच को यूजुअली आप स्लिप करेंगे तो एज नीटली आएगा। तो फर्स्ट 1 पर्ल स्टिच स्लिप कर लिया, सेकेंड स्टिच उल्टा बुना हमने, नेक्स्ट 2 स्टिच सीधे दिख रहे हैं तो सीधे बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट 2 स्टिच उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से ये 2 बाय 2 का रिब हम 10 रोज कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये 10 रोज कंप्लीट करना है। अब ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 10 रो का बॉर्डर रेडी हो गया है। ये फ्रंट पार्ट ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखा हुआ है। ये 10 रोज होने के बाद हम ये डोरी डालने के लिए जालियाँ बनाएंगे। तो आप कंटिन्यूअस एक ही कलर में भी पोंचो बना सकते हो या मल्टी कलर बनाइए। मैं यहाँ पे येलो कलर अटैच कर रही हूँ, तो इसके लिए इस तरह से उल को अटैच कर लीजिए, एंड थोड़ा सा इसको खींच के यहाँ पे एक नॉट डाल देंगे। यहाँ पे ये ऊल अटैच कर लिया। अब हम धागा आगे लेंगे, जाली डालेंगे, और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को 2 का 1 नीट 2 टुगेदर करके इस तरह से जाली डालेंगे। फिर धागा आगे लिया, फिर नेक्स्ट 2 को 1 साथ इस तरह से बुनेंगे। फिर धागा आगे लिया, नेक्स्ट 2 को
दो का एक, फिर धागा आगे लेके नेक्स्ट टू स्टिचेस को एक साथ। इसी तरह से हम सारा रो कंप्लीट करें, और इसी तरह से रो कंप्लीट करते हुए लास्ट एक स्टिच बचा है, तो इन एक स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर आखिर में जाली नहीं डालेंगे, तो वापस हमारे यहाँ पे जाली डालते हुए भी यहाँ पे 42 स्टिच हो गए हैं। रॉन्ग साइड हम सारे उल्टे बुन लेंगे। इसके बाद हम हर एवरी रॉन्ग साइड का रो पूरा इसी तरह से पर्ल स्टिच या उल्टा बुनते जाएंगे। ये बिगिनर्स के लिए भी पोंचो बनाना आसानी से समझ में, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप में आपको दिखा रही हूँ। सारे स्टिच हम उल्टे बुन लेंगे पर्ल ऑल, तो इससे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह से ये जाली डलता जाएगा। ये उल्टी रो कंप्लीट हो गई है, अब सीधी साइड पे आ गए हैं अगेन। अब हम ये जो डिवीजन हम स्टार्ट करेंगे, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे 20 20 और बीच में 2 स्टिचेस रखा है मैंने, तो यहाँ पे आप इस तरह से डिवाइड कीजिए कि आप यहाँ पे 20 20 और बीच में एक भी रख सकते हो, और इसके लिए 41 स्टिचेस डालिए, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और सेंटर में भी आप जितना चाहे उतना आप फंदे रख सकते हो, तो यहाँ पे मैं 20 20 यहाँ पे 2 फंदे रखा है, तो 20 स्टिचेस हम सीधा बुनेंगे। अब फर्स्ट स्टिच उतारा तो 1 2 3 4 5, इसी तरह से 20 स्टिच बुनेंगे। यहाँ पे 20 स्टिचेस बुनने के बाद अब धागा को इस तरह से आगे लेके जाली डालेंगे, बीच में ये 2 स्टिच सीधे बुनेंगे 1 2, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे और नेक्स्ट के 20 स्टिचेस सीधे बुनेंगे। तो ये 20 स्टिच हमने सीधे बुनना है। अगर आप जाली डाल के भी बढ़ा सकते हो, एंड मेरे चैनल पे आपको 4 वैरायटी में किस तरह से आप फंदे बढ़ा सकते हो 4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, 4 तरह के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फंदे बढ़ाने के, तो आप वो भी वीडियोस देखिए। अगर आपको ये जाली या होल नहीं चाहिए पोंचो में, तो विदाउट होल भी आप बढ़ा सकते हो, वो मेथड्स आप फॉलो कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालने की कोशिश करूंगी, या आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। तो ये 20 स्टिच हमने बुन लिया। अब रॉन्ग साइड अगेन, एवरी रॉन्ग साइड का रो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट उल्टा बुनते जाना है पर्ल ऑल। इवन वो जो हमने बढ़ाए थे वो फंदे भी हमें इसी तरह से उल्टे उल्टे जस्ट बुनते जाना है। तो यहाँ पे बढ़ाते हुए जहाँ जाली डाले थे वहां पे आ गए हैं, तो ये जाली वाला भी आपको इसी तरह से उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से ये सेंटर के 2 स्टिच, अगेन ये जाली वाला, सारे स्टिचेस हमें इसी तरह से उल्टे बुनते जाना है। ये रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट हो गया है, अगेन हमें राइट साइड आ गए हैं, तो फिर हमने सीधी बुनाई करते जाना है। फर्स्ट रो पे हमने 20 बुने थे, अब एक जाली डालने के बाद 21 हो गए हैं, तो अब 21 से सीधा बुनेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमने 21 स्टिचेस बुन लिया है, अब आपको जाली दिख रहा होगा, इसी के ऊपर हमें अगेन जाली डालना है धागा आगे लेके। सेंटर के 2 स्टिच हम सीधा बुनेंगे, अगेन यहाँ जाली दिख रहा है, तो जाली के ऊपर जाली डालेंगे, अगेन यहाँ के 21 स्टिचेस सीधा बुनेंगे, और हर रॉन्ग साइड आपको उल्टी बुनाई करती जानी है। तो इसी तरह से जाली जाली डालते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक अराउंड यहाँ से यहाँ तक 10 इंच होना चाहिए, या ये जाली अगर आप काउंट करोगे तो 30 जालियों तक मैंने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। टोटल 10 इंच तक आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये 3 मंथ से लेकर 1 साल के बच्चे तक बनाना है, तो आप ये 10 इंच तक आप रखिएगा।
अब यहां से जाली डालते हुए हमने यहां से यहां तक अराउंड 10 इंच तक जितना हमने यहां पे बुना था सेम बुन लिया है। 10 इंच या 30 जालियां, टोटल 30 जालियों तक हमने बुन लिया है। अब यहां पे हम ये बॉर्डर बनाएंगे। ये मैंने रफल का बॉर्डर बनाया हुआ है, इस तरह से ये रफल दिखता है, आप देख सकते हो। ये रफल का मैं सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप चाहे तो इसी को सेम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या सेम 2x2 का रिब यहाँ पे बना सकते हो, या आप आईकॉर्ड का बाइंड ऑफ यहाँ पे कर सकते हो मेरे चैनल पे, और भी क्रोशिया के भी आप बॉर्डर बना सकते हो। या इसके ऊपर यहाँ से फंदे बंद कर लीजिए और यहाँ से आप पूरा ज्वाइन करने के बाद क्रोशिया से भी बॉर्डर बना सकते हो, तो अपनी मर्जी से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये रफल बॉर्डर का एक बॉर्डर बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे इसके लिए मुझे चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 फंदे। तो यहाँ पे 102 है मेरे पास, एक्स्ट्रा 2 फंदे हैं, तो ये 2 फंदे मैं यहाँ पे घटा लूंगी यहाँ पे। अब हम बॉर्डर के लिए एक अगेन बॉर्डर का कलर अटैच कर लेंगे, इस तरह से ये अटैच कर लिया है, और इसको मैं एक नॉट लगा दूंगी। यहाँ पे येलो वूल मैंने कट कर लिया है नॉट डालने के बाद, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फंदे घटाना है और यहाँ पे एक फंदा घटा के टोटल 5 के मल्टीपल में आने जैसे ये बनाना है हमें। तो इस दोनों फंदों को मिला के मैं एक इस तरह से बुन लूंगी, और ये सारे स्टिचेस सीधे बुनेंगे। अगर यहीं पे आप ये बॉर्डर स्टार्ट करोगे तो आगे रिवर्स स्टिच का यहाँ पे कुछ पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एक लाइन प्लेन हम रेड वूल से पूरा सीधा बुन लेंगे, सीधी बुनाई का, और यहाँ पे हम जाली नहीं डालेंगे, सीधा बुनते हुए जाएंगे यहाँ तक, जाली बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये रो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड इन दोनों को मिला के एक करेंगे, और यहाँ पे जाली डालने वाला प्लेस आ गया है, लेकिन हम यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे, जस्ट कंटिन्यू। और यहाँ पे जाली वाला भाग है तो जाली नहीं डालेंगे इधर, कंटिन्यूस हम सीधी सीधी बुनाई करते जाएंगे। अब यहाँ बुनते हुए लास्ट तक आ गए हैं, तो इन दोनों स्टिचेस को यहाँ पे घटा देंगे, एक करेंगे, तो टोटल हमने 2 स्टिच बंद कर लिए, घटा लिए, तो यहाँ पे टोटल 100 बनते हैं। रॉन्ग साइड उल्टी साइड पूरा हमें उल्टा बुनाई करनी है, पर्ल ऑल, फर्स्ट स्टिच उतारा और सारे स्टिचेस हमने जस्ट उल्टा बुनाई करनी है, तो ये सारे स्टिचेस उल्टा बुनाई करेंगे। अब रॉन्ग साइड का रो उल्टा बुनाई कंप्लीट कर लिया है, अब ये रफल बॉर्डर का फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 5 के मल्टीपल में ये फंदा चलता रहेगा डिजाइन, तो फर्स्ट 3 उल्टे, 1 2 3, 3 उल्टे डालेंगे, फिर धागा पीछे लेके एक सीधा बुनेंगे और जाली डाल के धागा आगे लेके जाली डालेंगे और एक सीधा, यही हमें रिपीट करना है। अगेन 3 उल्टे, 1 2 3, 3 उल्टे, नेक्स्ट एक सीधा, फिर धागा आगे लेके जाली डालेंगे यार्न ओवर, निट 1, पर्ल 3। स्क्रीन के ऊपर आपको आई थिंक मैं दे रही हूँ इसका रिटर्न इंस्ट्रक्शन, पर्ल 3, निट 1, यार्न ओवर, निट 1, यही हमें एंड तक रिपीट करते हुए जाना है। ये यहाँ पे राइट साइड का रो कंप्लीट हो गया है बॉर्डर का, अब रॉन्ग साइड आ गए हैं। रॉन्ग साइड, हर रॉन्ग साइड आपको जो जैसे दिखता है वैसे ही बुनते जाना है। यहाँ पे 3 उल्टे दिख रहे हैं, 1 2, यहाँ पे 3 हमें उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बुनेंगे, 3 सीधे दिख रहे हैं तो सीधे बुनेंगे, यही हमें रिपीट करते जाना है। रो 2 में पर्ल 3, निट 3, फिर अगेन 3 यहाँ पे उल्टे दिख रहे हैं, एक उल्टा ये जाली वाला एक एंड नेक्स्ट वाला, 3 उल्टे एंड 3 सीधे,
तो इसी तरह से हमें तीन उल्टे तीन सीधे के एक रो कंप्लीट करना है। अब बॉर्डर का थर्ड रो है जो तीन उल्टे हैं, तीन उल्टे ही रहेंगे राइट साइड पे, 1 2 3। अब जो हमने पहले सीधा बुना था एक सीधा बुनेंगे, और पहले जब जाली डाला था वो वाला एक सीधा बुनेंगे। सो टू निट यार्न ओवर निट वन। तो यहाँ पे तीन उल्टे बुनने के बाद दो सीधे, जाली डाला फिर एक सीधा, तो इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है। अगेन रो नंबर 3 में तीन उल्टे दो सीधे 1 और ये जाली वाला एक 2। अगेन यहाँ पे जाली डालेंगे और एक सीधा बुनेंगे, तो जाली के ऊपर जाली डालता जाएगा। अगेन तीन उल्टे 1 2 3। अगेन धागा पीछे लेके दो सीधे 1 2, दो सीधे और यहाँ जाली डालेंगे, जाली डालने के बाद एक सीधा। इसी तरह से जाली के ऊपर जाली डलता जाएगा। ये जाली एटलीस्ट हम यहाँ पे 3 to 4 जाली डालने तक, यहाँ पे 1 2 3 मैंने 3 जाली डाली हैं, तो 3 to 4 जालियाँ होने तक आपको ये रिपीट करना है। शायद ये ब्लैक में आपको नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे 1 2 3 जालियाँ तक मैंने ये रिपीट किया हुआ है। उल्टी सिलाई जो जैसे दिखता है उसी तरह ये बुनते जाना है, उल्टी को उल्टे सीधे के सीधे आप बड़ा बनाते जाइए कि जितना आपको बड़ा रफल चाहिए। इस रफल बॉर्डर का आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पे चेक कीजिएगा, क्लियर आप आइडिया आ जाएगा आपको। तो जाली के ऊपर जाली डालते हुए मैं 3 3 जालियाँ होने तक इसको बुन के, अब हम ये 3 जालियों तक यहाँ बढ़ाया हुआ है। हर बार आप सीधी टाइप सीधी तरह आते हो तो 3 उल्टे बुनना है। एंड फर्स्ट हम एक सीधा बुनेंगे जाली डाल के, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी बुनाई पे हम हर बार उल्टी बुनाई पे जो जैसे दिखता है नीट नीट स्टिचेस और जो उल्टे पर्ल पर्ल स्टिचेस हम बुनते जाएंगे। अगेन सीधी टाइप आने के बाद अगेन 3 उल्टे बुनेंगे, फिर हम एक के जगह पे यहाँ पे 2 स्टिचेस होते हैं, तो जाली वाला एक पहले वाला एक, 2 सीधे फिर जाली डाला फिर एक सीधा, इस तरह से फिर उल्टी बुनाई जो जैसे सकता है उसी तरह हम बुनते जाएंगे। फिर तीसरी बार भी 3 उल्टे बुनेंगे, फिर हम ये यहाँ पे 3 सीधे जाली डाला और एक सीधा, इस तरह से हम हर बार जाली के बाद एक एक फंदा बढ़ता जाएगा सीधी तरफ। तो वो उनको इस तरह से ये जाली कितने भी आप रंबा रफर रफल का बॉर्डर ये बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 ही जाली डाला हुआ है। इस बॉर्डर का आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना ना भूलिएगा। तो ये 3 जाली का एक अराउंड 1 इंच का बॉर्डर मैंने बनाया हुआ है। एंड अब हम ये फंदे बंद करेंगे ये दोनों स्टिचेस को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर ये वापस डालेंगे, फिर नेक्स्ट इन दोनों स्टिचेस को इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। फंदे बंद करने के बहुत सारे तरीके, अपने हिसाब से आप फंदे बंद कर सकते हो। अगेन इस तरह से फिर वापस ले लेंगे इसको स्टिच को, इन दोनों स्टिचेस को उल्टा बुन लेंगे। तो सारे फंदे हम इसी तरह से फंदे बंद कर लेंगे। इसी तरह से ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे फंदे सारे बंद करने के बाद हम इस तरह से दोनों को सीधी तरफ इस तरह से फेसिंग करते हुए हम डालेंगे, उल्टी तरफ ऊपर रखेंगे, ये उल्टी तरफ है ये, और यहाँ पे भी उल्टी तरफ, और यहाँ पे मैं इसको जोड़ लिया है यहाँ से यहाँ तक, क्रोशिया से मैंने जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो सिलाई कर सकते हो सुई धागे से, या आप मशीन में भी इसको यहाँ से यहाँ तक सिल सकते हो। मैं यहाँ पे क्रोशिया से ही क्लोज करूंगी। जो ये रेड का पार्ट है रेड रेड धागे से करेंगे, एंड येलो का पार्ट येलो धागे से करेंगे। तो इसको हम जस्ट सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। इसको
इसको इस तरह से इसी धागे से यहां से यहां तक हर एक जो चैन हमें नजर आता है चैन को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। जो बचा हुआ धागा है उसी में ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हम ये सारा रेड धागे से क्लोज कर लेंगे इसी तरह से। एंड नेक्स्ट हम येलो धागा अटैच करेंगे। येलो धागे से इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया से एज टू एज हर एक जो यहाँ पे चेन नजर आएगा हमें ये वाला चेन एंड नेक्स्ट ये वाला चेन इस तरह से दोनों चेन लेके हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे एंड तक। तो हमारा पोंचो ज्वाइन हो जाएगा। तो इसी तरह से यहां तक ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने दोनों तरफ क्रोशिया से सिल लिया है। अब इसको सीधी करेंगे। सीधी करने के बाद आपको ये पोंचो कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। डोरी डालने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। इधर इस तरह से एक लूप लेके 1 2 3 थ्री चेन्स लीजिए। 1 2 3 थ्री डबल क्रोशिया किया फिर 1 2 3 चेन्स लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चेन्स लिया फिर यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 थ्री डबल क्रोशिया किया 1 2 3 चेन्स लिया और इसी होल में हमें यहाँ पे एक फ्लावर रेडी कर रहे हैं। 1 2 3 चेन्स लेंगे फिर तीन डबल क्रोशिया 1 2 और 3 फिर 1 2 3 चेन्स लेंगे थ्री डबल क्रोशिया करने के बाद। फिर इसको इस तरह से थ्री पेटल्स हो गए हैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया 3 1 2 3 अब 1 2 3 चेन्स लेंगे और ये जो टेल हमें नजर आ रहा है टेल को इस तरह से खींच लेंगे ताकि हल्के से ये राउंड शेप में आ जाए। पेटल इस तरह से दिखेगा। सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और एक यहाँ पे चार पेटल हो गए हैं। 1 2 3 चेन्स लिया और यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया 1 2 और 3 एंड 1 2 3 चेन्स लेंगे और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और ये जो टेल है टेल को हम अच्छे से खींच लिया ताकि ये इस तरह से एक फ्लावर नजर आ जाए। ये फ्लावर बन गया है 5 पेटल का इस तरह से। तो इस फ्लावर को अब हम यहाँ पे चेन स्टार्ट करेंगे। इन दोनों थ्रेड्स को मिला के हम चेन फॉर्म करते हुए जाएंगे जितना लंबा चाहिए उतना लंबा। इस तरह से और इसको एक पिन डाल के यहां से हम यहां तक लेके आएंगे। अब फ्लावर बना के चेन लेके यहां से यहां तक हमने ले लिया है और यहाँ एक्स्ट्रा धागा भी अंदर से ही खींच लिया है और यहाँ पे एक फ्लावर बनाएंगे हम। जो यहाँ पे चेन है इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा खींचिए एक लूप बन जाए। ये लूप बन गया है और इसी लूप में हम अब एक चेन करेंगे। 1 2 3 चेन्स लिया और जो हमने यहाँ पे लूप क्रिएट किया है इसी के अंदर हम फ्लावर बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया 1 2 3 1 2 3 चेन्स लिए और इसी होल में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चेन्स लिया फिर 1
टू थ्री, डबल क्रोशिया और चैन थ्री, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से फाइव पेटल यहाँ पे भी हम करेंगे। तो ये पोंचो बुनने के बाद इस तरह से लगेगा, जरूर ये पोंचो ट्राई कीजिएगा। ये आराम से आपको न्यूबॉर्न बेबी से लेकर एक साल के बच्चे तक आराम से ये डाल सकते हो, लेंथ अपने हिसाब से ये बना सकते। अगर आप पोंचो डिफरेंट डिफरेंट साइज में बनाना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल मैं आपको किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, और ये जस्ट रैंडम एक कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो। ये 0 to 1 ईयर तक बेबी के लिए आप इस तरह से डिवाइड कीजिएगा। टोटल हमें चाहिए अराउंड 80 फंदे, 1 ईयर के 1 ईयर बच्चे तक हमें 80 फंदे चाहिए होते हैं स्वेटर बनाने के लिए। तो गले के लिए 84 फंदे रखेंगे, तो फ्रंट एंड बैक के लिए 42 42 हो जाएंगे। तो 42 हम फ्रंट के लिए इस तरह से डिवाइड करेंगे 20 20 एंड 2। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस तरह से। अगर आप 2 to 5 या 7 ईयर तक आप बनाना चाहते हो तो अराउंड 100 स्टिचेस, 90 to 100 स्टिचेस आपको लेने होंगे। तो अपने एज के हिसाब से, तो यहाँ पे अगर आप 24 24 एंड 2 इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर 50 50 लेना है फ्रंट एंड बैक, 100 टोटल 100 चाहिए स्टिचेस तो गले के लिए, तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। अगर 90 लेना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा। एंड अडल्ट्स के लिए आप यूजुअली हम टीनेजर्स के लिए 100 से 110 तक, या अडल्ट पॉन्चो बनाना चाहते हो अगर धागा पतला है तो 110 से 120 स्टिचेस चाहिए गले के लिए, तो अपने हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 116 का अगर आप एक पॉन्चो बनाना चाहते हो टोटल स्टिचेस, तो हमें फ्रंट एंड बैक 58 58 चाहिए, तो 58 को हम 28 28 एंड 2 इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था पैटर्न, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, गिफ्ट कीजिएगा ये बर्थडे पार्टीज में। अगर आप इस तरह से एक गिफ्ट रेडी करके दोगे तो वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा ये पोंचो। एंड मेरे चैनल पे यही सेम मेथड का पोंचो बीच में एक केबल में बनाया हुआ है, एंड वो सर्कुलर गोल में बनाया हुआ है विद सर्कुलर निटिंग नीडल, वो भी आप देख सकते हो। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा निटिंग का। तो अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस नोटिफाई हो पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।